Hey guys, कैसे हैं? मैं नरेंद्र तुम्हारा वाइज बैक इन विद अनदर व्लॉग एंड गाइस आज का जो व्लॉग है दिस इज अबाउट माय आपने कुछ फर्क देखा अभी या दिस इज वीडियो ऑफ माय कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कि मैंने अभी फिलहाल पहने हुए ये कॉन्टैक्ट लेंसेज तो आज का वीडियो ये है मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज ये एक्चुअली गाइस दूसरी बार पहन रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम मैंने वही पहन लिया जिस पे मेरा फोटोशूट हुआ है आपको अगर ऐसा लग रहा कि मैं रो रहा हूँ तो मैं नहीं रो रहा मैं रो ही रहा हूँ मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत इरिटेट कर रहे हैं स्पेशली ये लेफ्ट वाला बहुत इरिटेट कर रहे हैं उस दिन तो मैंने पहना था तब मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था लेकिन आज पता नहीं मुझे ये इरिटेट क्यों कर रहा है इतना रुको मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ दिस इज द लेंस इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है देखो मेरी आंखें देखो एक ब्राउन और एक ब्लैक रुको दोनों को निकाल के आता हूँ ऑलराइट गाइस बैक टू द नॉर्मल ब्लैक आईज एंड या तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना ये टेम्पररी यूज़ के लिए ठीक है ये कोई परमानेंट यूज़ के लिए नहीं है अगर आपको अपनी आर्टिफिशियल आँखें अगर आपको चाहिए कि आपकी आयरिस की कलर अलग हो तो यू कैन यूज इट आई मीन ये आपको ऑप्टिक्स में मिल जाएंगे ओनली फॉर मात्र 100 रुपये जो कलर आपको चाहिए उसमें अवेलेबल हो जाएगा मतलब मेरी अंदर से ख्वाहिश थी कि मेरी आयरिस मतलब मेरी जो आँखें हैं उसका भी कलर थोड़ा अलग हो इंस्टेड ऑफ ब्लैक ब्राउन हो ग्रे हो कुछ तो अलग हो इसलिए फिर मैंने सोचा एंड घर पे अवेलेबल था क्योंकि मम्मी अभी मेकअप सीखते तो मम्मी के पास अवेलेबल हो जाए मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं एंड उसमें मुझे कोई नॉलेज नहीं था ऑफकोर्स लेंस कैसे पहनते मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था तो मेरी मम्मी ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया मुझे अरे ते नाही तुला काय होणार असं माझं ते हे तू फक्त डोळे वर कर बस असं तू काय करू नकोस अरे पण ते माझे डोळे बंद रिफ्लेक्स आहे माझं ते बंद होतं लगेच रिफ्लेक्स आहे काय तुम्ही झोपी देवा करा पागल आहे रे हा म्हणून काय उचल ना 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 लाव प्लीज लाव लाव पहना ही नहीं इंस्टेड ऑफ दैट मुझे अपनी हाथों से इन उंगलियों से मुझे लेंस पहनना पड़ा तो मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा एंड उसके बाद मैंने लेंस पहनना ट्राई किया एंड फाइनली एट द एंड मैंने लेंस पहन लिए लेंस लगा लिए हमने फाइनली बहुत ट्राई के बाद मेरे आंखों में फाइनली लेंस लग गए तो ये जो लेंस है ये इसको डिस्पोजेबल कहते हैं आई थिंक इसको कम से कम एक महीने तक यूज़ कर सकते हैं बाद में फेंक दे रहेगा लेंस में जो उनका जो केमिकल होता है हर 2 दिन के बाद उसको चेंज करना होता है कि ताकि वो लेंस साफ़ रहे एंड वो केमिकल बहुत महंगा है बहुत ज़्यादा महंगा है ये लेंस 1 महीने तक आप कंटिन्यूस पहन सकते हो हाँ कोई दूसरा ना पहनेगा अगर कोई दूसरा पहनेगा तो उसको इन्फेक्शन होगा अब फिलहाल इतना दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा आँख छोटा हो गया है वो केमिकल मेरे आँखों में गया मतलब ऑफकोर्स जब भी आप लेंस लगाते हो तो केमिकल आपके हाथों में रहना चाहिए ताकि लेंस बैठे आँखों में और उस वजह से आँखों में ना बहुत चुर चुर फील होता है आपका थोड़ा जलने लगता है इसलिए मेरा राइट वाला आराम से गया लेकिन लेफ्ट वाले में बहुत डिफ़िकल्टी गई शक्ल ही पूरी चेंज हो चुकी है एकदम ऐसा पाड़ू सिद्धांत हो गया ना अपन अभी मेरे आँख छोटे लग रहे क्योंकि वो केमिकल अंदर चूर चूर कर रहा तो बहुत आँखों से पानी आ रहा था तो थोड़ा सा आँख सूज गया है 15-20 मिनट बाद आँख वापस नॉर्मल हो जाएंगी एंड फिर वो लेंस दिखेगा एंड फिर आँखें दिखेंगी एंड फिर एकदम ऐसा ऋतिक रोशन बन जाएगा तुम्हारा बाय एकदम वो अगर आप लेंस लगा लो तो रात को निकाल के सोना अगर आप वैसे टाइम पास के लगा रहे हो मेरी तरह मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप अगर लेंस पहन रहे हो ना फर्स्ट टाइम
तो पहले देखो कि लेंस पहनते कैसे हैं, उसके बाद खुद ट्राई करो, दूसरों से ट्राई मत करोगे, दूसरों से ट्राई करोगे ना तो आपको खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ फोटो शूट होने का, क्योंकि इतने अगर हमारे प्यारे प्यारे आँखें दिख रही है तो क्यों ना इस पर प्यारे से फोटोग्राफ्स हो जाए, ताकि चुम्मा मजा। तो फोटो शूट करते हैं ना एकदम चुम्मा किया। मेरा भाई भी आ गया, उसको उससे पूछता हूँ कैसे। देखो रियल रिएक्शन टाइमिंग पे कैमरा ऑन किया, कोई रिएक्शन रोज ना गाल रोज ना एकदम फॉरेनर सारा वाटते है। रिएक्शन कैप्चर अब अपन फोटो शूट करते हैं कि सेटअप हो चुका है, यहाँ पर रिंग लग चुका है, यहाँ पर अपना पर्दा है और ट्राइपॉड टूट गया, तो मैं चेयर पे अभी कैमरा रखूँगा, फोटो शूट करना है। चलो फोटो शूट करते हैं। पापा दिखते हैं अजून का दिखते डिफरेंट डिफरेंस कैसा मुझे कैसा थे कैसा डिफरेंस दिखते हैं कुछ मीज ला रहे मम्मी आनी मी दोगानी लेंस लेंस ला रहे ते बेकार दिखते कर दिखते लेंस कैसा बढ़ते हैं बेकार दिखते थे हाँ ता लग रहा है का तो पोर की जरूर दिखते थे हाँ पापा का बेस्ट एक्टर बोलते हैं लड़की लग रहा है लड़कियों के लिए होता है बट या आप कमेंट्स बताओ कि कैसा है, मतलब सुनने अरे बाल खराब हो गया यार, मुझे तुम्हारे ओपिनियंस भी जानने की ये लेंस मुझे सूट कर रहे कि नहीं, अगर सूट कर रहे तो कमेंट्स से बताओ, नहीं सूट कर रहे तो भी कमेंट्स से बताओ क्योंकि मुझे जानना है, चलिए अगर पार्टी में जाओ शादी में जाओ कहीं पे भी तो मैं लेंस पहन सकूँ, अगर मुझे सूट करा तो ना हैंडसम दिखने में क्या आ रहा है। सो गाइस फाइनली फोटो शूट खत्म हो चुका है, एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फोटोज नहीं देखे हैं तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन जाओ जाके फॉलो करो, मेरे रील्स देखो, मेरे पोस्ट देखो, पोस्ट को लाइक करो एंड शेयर भी करना, ठीक है। ओके तो गाइस आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ, तो जब आप लेंस पहनते हो ना तो आपको आपको अपनी आँखों पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, तो इसके लिए पहले आपको अपनी उंगलियां आंखों के थ्रू घुमानी होगी, मतलब टच करना होगा ताकि आपको फील पता चले कि थ्रू द रिफ्लेक्स आप आपकी पलकें झपकेंगी, इसलिए आप वो लेंस पहन नहीं पाओगे। तो फर्स्ट क्या ना कि आप अपनी उंगलियों को अपनी आंखों के थ्रू घुमाओ, थोड़ा फील दो ताकि आपको पता चले कि कैसा फील होता है, उसके बाद लेंस पहनना है ना, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा। अब मुझे तो आदत हो गई है, मैंने दूसरे टाइम पहना है फॉर वीडियो पर्पज़, तो मुझे तो आदत हो गई है, अब मुझे पता ही कैसे लेंस पहनना है कैसे निकालना है। अगर आपको लगता रहेगा कि लेंस निकालना मुश्किल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं, लेंस निकालना आसान है लेकिन पहनना बहुत मुश्किल है। एकदम आप हैंडसम एकदम चमक उठोगे, आपकी आँख एकदम चमकी उठेगी एकदम, ऐसा क्या बताऊँ मतलब। ओके गाइस तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, उसको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, शेयर तो पक्का करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय पीस, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी।